सब्सक्राइब करो स्टाइल विद सिमरन को क्योंकि ये टोटली फ्री है और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इटालियन वाइट सॉस पास्ता जो कि बहुत ही सॉसी और चीजी रहता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना रेसिपी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप वन, यहाँ पे हम सब्जियाँ फ्राई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पैन ले ली हूँ, इसमें मैं एक टीस्पून ऑयल ले ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक लाल मिर्च मैंने डाला है। उसके बाद यहाँ पर एक मीडियम साइज यहाँ पर मैंने प्याज डाला है, उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम 1/4 कप कैप्सिकम डाल दूंगी शिमला मिर्च। उसके बाद मैं यहाँ स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ और मटर डाल दूंगी ताकि ये थोड़ा कलरफुल दिखे। अगर आपके पास येलो या रेड बेल पेपर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, ये और ज़्यादा कलरफुल दिखेगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। इसके बाद हम यहाँ पर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे। मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करके पकाएंगे 1 से 1 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है नॉनस्टिक पैन, आप चाहे तो मोटी कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं इसे कुक करने के लिए। यहाँ मैं मैगी मसाला डालूंगी और इसे हल्का सा मिक्स कर लूंगी और ये हमारा वेजीज रेडी हो जाएगा और इसे हम साइड करके रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, लो फ्लेम पे बिल्कुल हम यहाँ पे बटर डालेंगे और अच्छे से हम मेल्ट कर देंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप है वाइट सॉस के लिए। इसमें मैं हल्का सा ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये हमारा बर्न ना हो। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आटा। अच्छे से इसे भून लेंगे हम इसमें, बिल्कुल लो फ्लेम रहना चाहिए अदरवाइज ये जल भी सकता है। देखने कलर का चेंज हो चुका है तो अब इसमें मैं थोड़े से प्याज डाल रही हूँ, हल्का सा फ्लेवर अनियन का। अगर आपके पास यहाँ पे अनियन पाउडर है तो आप डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 1/2 कप करीब यहाँ पर मैं दूध डाली हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं हल्का हल्का ये थिक हो रहा है, इसे अच्छे से हम कुक कर लेंगे। अगर आपका आटा कच्चा रहा तो उसमें थोड़ा सा कच्चापन का स्वाद आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम ऑरिगेनो डालेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मैं पास्ता मसाला डाल रही हूँ, ये हमारा स्मिथ एंड जॉन्स का पास्ता मसाला, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसे। अब देख सकते हैं कितना क्रीमी ये लग रहा है। यहाँ पर मैं चीज़ डाल रही हूँ, अब प्रोसेस चीज़ आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है ये भी। हल्का से मैं यहाँ पानी डालूँगी क्योंकि अभी हमें इसे कवर करना है ताकि हमारा चीज़ मेल्ट हो जाए। एक मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा चीज़ ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम पास्ता डाल देंगे, पहले ही मैंने बॉईल कर रखा था, आप अपने कोई भी फेवरेट पास्ता डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मिक्स डाला है, अपना वेजीज भी मैं डाल ली हूँ यहाँ पे। हल्का सा पानी या दूध डाल सकते हैं आप, मैं यहाँ पे पानी यूज़ कर रही हूँ। नमक भी डाल दिया मैंने। अब अच्छा से हमें इसे मिक्स कर लेना है ताकि हर एक पास्ता में वो सॉस आ जाए। पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इसे और ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों था ना ये कितना इजी बनाना, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ कितना चीजी बना है ये। चलिए इसे पैन टू प्लेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और आपको ज़रूर इसे शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाए इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।